वेलकम स्टूडेंट्स, आप हमारे ऐप को कैसे प्राप्त करेंगे इसका तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में गए, आपने कैरियर टेक एकेडमी को सर्च किया और इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, कुछ सेकंड ये लेगा आपसे। और हमारा ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो रहा है इस समय। देखिए, ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया, वो सिक्योरिटी स्कैन को चेक कर रहा है। अब आपने ऐप को बच्चों ओपन किया तो वो आपको लॉगिन करके रजिस्टर करने के लिए कहेगा। अपना मोबाइल नंबर इसमें डालिए, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उस ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप अलाउ कर देंगे और ऐप के अंदर आ जाएंगे, जहां पर स्टोर में आपको बच्चों हमारे बनाए हुए सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, नाम के हिसाब से उपलब्ध हैं। आपको जो भी कोर्स आपके लिए उपयुक्त हो आप उसको सेलेक्ट करना है। जब आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे तो कोर्स हमारा ओपन हो रहा है, देखिए लोडिंग आ रहा है, पेमेंट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, कोर्स की फीस दिखाई देगी, आपको पेमेंट को कंप्लीट करना है और देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है कि पेमेंट कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने ऐप को इंस्टॉल करके अपने मनपसंद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सबसे निवेदन है कि हमारे ऐप को डाउनलोड करें और जो भी आपके मनपसंद कोर्स हैं उनको प्राप्त करें। धन्यवाद, जय हिंद। वेलकम स्टूडेंट्स, आप हमारे ऐप को कैसे प्राप्त करेंगे इसका तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में गए, आपने कैरियर टेक एकेडमी को सर्च किया और इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, कुछ सेकंड ये लेगा आपसे। और हमारा ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो रहा है इस समय। देखिए, ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया, वो सिक्योरिटी स्कैन को चेक कर रहा है। अब आपने ऐप को बच्चों ओपन किया तो वो आपको लॉगिन करके रजिस्टर करने के लिए कहेगा। अपना मोबाइल नंबर इसमें डालिए, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उस ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप अलाउ कर देंगे और ऐप के अंदर आ जाएंगे, जहां पर स्टोर में आपको बच्चों हमारे बनाए हुए सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, नाम के हिसाब से उपलब्ध हैं। आपको जो भी कोर्स आपके लिए उपयुक्त हो आप उसको सेलेक्ट करना है। जब आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे तो कोर्स हमारा ओपन हो रहा है, देखिए लोडिंग आ रहा है, पेमेंट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, कोर्स की फीस दिखाई देगी, आपको पेमेंट को कंप्लीट करना है और देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है कि पेमेंट कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने ऐप को इंस्टॉल करके अपने मनपसंद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सबसे निवेदन है कि हमारे ऐप को डाउनलोड करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बच्चों, मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आप लोग की सी लैंग्वेज की क्लास में और आशा करता हूं बच्चों कि आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि आपको एक नया सी का टॉपिक बच्चों बताना है जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपके उपलब्ध है और वो टॉपिक है बच्चों सी लैंग्वेज में आज का एरे। बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी जानकारी आज की क्लास में आपको बच्चों हम देने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत की जाए और तैयार हो जाइएगा आप लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज एक नया टॉपिक बच्चों, जिसको बोलते हैं एरे। क्या टॉपिक है आपका आज का? टॉपिक है कि एरे क्या है। सी लैंग्वेज का समझ लीजिए सबसे बेहतरीन टॉपिक जो कि आपको मिला हुआ है और जिसमें कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कैसे बनाते हैं एरेज को, क्यों बनाते हैं हम लोग एरेज को, इसको बनाने की वजह क्या है, वगैरह वगैरह सारे कुछ डिस्कशन होगा और प्रोग्राम्स भी आपके साथ लेंगे। बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है कि हम लोगों की बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज आपके इस चैनल पर रनिंग हो चुकी हैं। फंडामेंटल सी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की भी क्लासेज अब आपकी चल रही हैं। तो आशा के साथ कि आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे और जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग कंप्लीट कोर्स की शुरुआत आपके करा सकें। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है बच्चों। तो आइए देखिए एरे क्या है। तो अगर आप सी में बात करें कि एरे क्या होता है बच्चों,
तो ध्यान से समझिएगा, द एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। क्या है तुम्हारा एरे? एरे आपका बच्चों कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? सिमिलर डेटा आइटम्स का। सिमिलर डेटा आइटम्स का मतलब एक जैसे आइटम्स का ये कलेक्शन होता है। एक जैसे आइटम्स का मतलब यहां पर क्या है? एक जैसी चीजों का मतलब क्या है कि आप अगर एरे बनाते हैं, बच्चों, तो आप जो एरे बनाएंगे उसमें अगर आप रखना है तो ऑल रखोगे क्या? इंटीजर्स। अगर आप उसमें बच्चों रखेंगे ऑल फ्लोट्स, उसमें आप अगर रखेंगे ऑल कैरेक्टर्स, देखिएगा ऑल कैरेक्टर्स, ऑल फ्लोट, ऑल इंटीजर, इसमें किसी तरह का बच्चों कोई, मिक्सचर नहीं हो सकता कि कुछ एलिमेंट कैरेक्टर हो गए, कुछ इंटीजर्स हो गए, कुछ तुम्हारे फ्लोट्स हो गए। जो भी होंगे वो सारे एक ही जैसे एलिमेंट्स का संग्रह या बच्चों क्या होगा? कलेक्शन होगा। और एरे शायद सी की सबसे बेहतरीन यूटिलिटी में, बेहतरीन टॉपिक्स में से कहीं एक पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है। और एरे को बनाने की जरूरत क्या है, क्यों हम लोग एरे का निर्माण करते हैं? वो इसलिए करते हैं बच्चों ताकि हम मेमोरी पर सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सके। क्या मतलब है कि एरे, इट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। यानी एरे की मदद से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को किसी एक ही सिंगल वेरिएबल में स्टोर करके अपना काम निकाल सकते हैं। ये एक बड़ी ही कमाल की चीज है कि मल्टीपल वैल्यूज आपकी एक ही वेरिएबल में जाकर बच्चों स्टोर हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों कितने प्रकार की एरे हम बना सकते हैं? तो आइए देखिए, टाइप्स ऑफ एरेज, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो मेनली बच्चों हम लोग जो एरे बनाते हैं, एक है वो आपकी सिंगल डायमेंशन एरे, और बच्चों दूसरी जो एरे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपकी मल्टी डायमेंशन एरे। एक तुम्हारी सिंगल डायमेंशन एरे है और दूसरी तुम्हारी कौन सी है? मल्टी डायमेंशन एरे। इसमें किसको हम लोग सिंगल डायमेंशन कहेंगे और किसको हम लोग मल्टी डायमेंशन कहेंगे, आइए इसके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? सिंगल डायमेंशन एरे की। तो देखिए बच्चों, द एरे दैट कैन हैव ओनली वन डायमेंशन, ऐसी एरे बच्चों जिसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही डायमेंशन होगा। क्या? आइदर रो और कॉलम, या तो उसमें बच्चों रो होगी या तो उसमें क्या होगा? आपका कॉलम होगा। ऐसी एरे को हम क्या बोलते हैं? सिंगल डायमेंशन एरे।
एक और तरीका है सिंगल डायमेंशन एरे को समझने का, हम शॉर्ट में उसको एसडी एरे बोल रहे हैं। एक और तरीका है बच्चों, द एरे वेयर द सिंगल इंडेक्स वैल्यू इज रिक्वायर्ड is required for accessing array elements। यहां समझ लीजिए, जहां पर सिंगल इंडेक्स वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी किसी एलिमेंट को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बच्चों, ऐसी एरे को भी हम क्या बोलते हैं, ऐसी एरे को भी हम सिंगल डायमेंशन एरे कह सकते हैं, जिसको शॉर्ट पे हम एसडी एरे भी कहें तो गलत नहीं होगा। किसे हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे बच्चों कहेंगे, वो एरे जिसमें एक सिंगल वैल्यू ही आवश्यक है, किस लिए, एरेज के एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए। आइए देखिए कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर। कि सिंगल डायमेंशन एरे बच्चों बनती कैसे, इसका निर्माण होता कैसे है, तो देखिए आपको इसका सिंटैक्स जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देंगे डेटा टाइप, फिर आप क्या देंगे बच्चों, एरे का नाम, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, उसकी साइज। ध्यान से इसको समझ लीजिए बच्चों, कि आपको अगर एरे को डिक्लेयर करना है, बहुत क्लियर है कैसे डिक्लेयर करोगे, सबसे पहले डेटा टाइप, एरे का नाम, और ये क्या है, ये साइज। ये साइज बताता है, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है कि कितने एलिमेंट्स को हम मेमोरी पर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, जरा सा एक बार इसको देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों आपके लिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए मैंने कहा आई एन टी, एक एरे दिया ए आर फाइव, ये उसकी साइज हो गई, इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, टू सिक्स नाइन वन फाइव। ये देखो बच्चों, इस डिक्लेरेशन को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये कर क्या रहा हूं मैं, यहां पर देखिए ये आई एन टी क्या है, ये आपका डेटा टाइप है, ए आर क्या है, एरे का नाम है, फाइव क्या है, साइज है, और ये क्या है, एरे के एलिमेंट्स। व्हाट इज दिस, इट इज द एलिमेंट्स ऑफ एरे। देखिए बहुत ही क्लियर कट है भाई, बहुत ही क्लियर कट है, इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो भैया होगा क्या, इसको समझो आपके लिए। देखिए कंपाइलर करेगा क्या, मेमोरी पर देखिए एक ब्लॉक बना देगा, कितने ब्लॉक बनाएगा, एक दो तीन चार, ये आपका मेमोरी ब्लॉक्स उसने बना दिया बच्चों। इसका नाम क्या दिया एरे का आपने, एआर, एआर कर दिया। क्या एलिमेंट्स स्टोर है, टू सिक्स नाइन वन फाइव, और नीचे देखिएगा जरा, जीरो वन टू थ्री फोर, ये जो जीरो वन टू थ्री फोर है बच्चों, ये क्या है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ एरे, और ये ऊपर क्या है बच्चों, वैल्यू है। याद रखिएगा बच्चों, एरे का जो इंडेक्स होता है, जो एरे का इंडेक्स है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये कहां से शुरू होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ये कहां से शुरू होता है बच्चों, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो।
और जाएगा कहां तक, जो भी तुमने साइज दी है उस साइज से एक कम तक जाएगा, साइज माइनस वन भी आप उसे कह सकते हैं। तो मैंने एक एरे बनाई INTAR ऑफ 5 जिसमें 5 एलिमेंट डाले, तो देखिए मेमोरी पर उसका कैसा मैप बनेगा, ऐसा बनेगा 5 ब्लॉक्स की एरे होगी और उन 5 ब्लॉक्स पे का इंडेक्स कहां से शुरू होगा, 0 से। तो इसीलिए देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। और इसके बाद बच्चों एक चीज और जान लीजिए कि हम लोग एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, कि हाउ टू एक्सेस। ये भी देखो, हाउ टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स। एक्सेस करने के लिए बच्चों आपको सिंटैक्स देखिए, सबसे पहले एरे का नाम देंगे आप, ये ऑपरेटर लगाएंगे जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, और इंडेक्स पोजीशन बताएंगे। आपका एलिमेंट बच्चों आपके बाहर आ जाएगा। मान लीजिए आपने अभी एक एरे बनाई थी ना, देखिए नाम था AR, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स थे, 0, 1, 2, 3, 4। और क्या एलिमेंट्स आपने रखे थे, 2, 6, 9, 1, 5। फिर भी मैं भी वही कर दे रहा हूं, 2, 6, 9, 1, 5। मान लीजिए बच्चों आपको इस 9 को एक्सेस करना है, आपको अगर इस 9 को एक्सेस करना है तो कैसे करोगे, आप देंगे एरे का नाम AR, इंडेक्स क्या देंगे 0, 1, 2, AR ऑफ 2। सी इस AR ऑफ 2 को रिप्लेस करेगा किससे, 9 से, जहां ये एरे का नाम हो गया, ये एरे की इंडेक्स पोजीशन हो गई। और बच्चों आपको सी क्या करेगा, उस पोजीशन की वैल्यू को बाहर निकाल के देगा। अगर मैं एक स्टेटमेंट यहां देखिए लिख दूं आपके लिए समझाने के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी। देखो बच्चों AR का 0 प्लस AR का 1। कोई बताएगा बच्चों आप में से कमेंट करके इसका आउटपुट क्या आएगा, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा, कोई आप में से मुझे कमेंट करके क्या बता सकता है, जो भी लोग क्लास को बच्चों देख रहे हैं। प्रिंट एफ फंक्शन परसेंटेज डी तुम्हारा इंटीजर हो गया, ये एरे का नाम, एरे की जीरोथ पोजीशन की वैल्यू हो गई 2, एरे के वनथ पोजीशन की वैल्यू हो गई 6। तो 6 + 2 का आंसर क्या आएगा बच्चों, 6 + 2 का आंसर आपका आएगा 8। देखिए ये कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं और आप सिंगल डायमेंशन एरे का निर्माण कर सकते हैं और बच्चों उसको यूज कर सकते हैं। एरे सी लैंग्वेज का एक सबसे शानदार टॉपिक है। सी क्या, दुनिया की शायद कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो एरे को बच्चों सपोर्ट करती नहीं है। एरे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी चीज है जिसको सपोर्ट सभी लैंग्वेजेस, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सपोर्ट टू एरेज। तो प्लीज, यस राखी कुमारी तुमकारा आउटपुट बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। कि इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो देखिए एरे की कुछ खास बातें, अब इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए एरे के बारे में, कुछ खास बातें ध्यान से समझिएगा सब लोग, मैं उसके बारे में लिख दे रहा हूं। सबसे पहली बात, इट इज कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन होता है किसका, सिमिलर एलिमेंट्स। नंबर दो बात, इट इज इंडेक्स वेरिएबल, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंडेक्स वेरिएबल के नाम से जानते हैं। क्यों इसको हम लोग बच्चों इंडेक्स वेरिएबल कहते हैं, इसको इंडेक्स वेरिएबल कहने की वजह यह है, बहुत क्लियर सुन लीजिए, क्योंकि इसमें हर आइटम को हम एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स करते हैं। तीसरी खास बात, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इट ऑलवेज स्टोर्ड ऑन कॉन्टी
जीएस मेमोरी लोकेशंस। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी की लगातार मेमोरी के संदर्भ में कॉन्टिजिवस के बजाय बच्चों कॉन्टिन्यूअस के बजाय एक शब्द यूज होता है कॉन्टिजिवस। तो जो एरे है वो कहां पर स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, कॉन्टिजिवस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होती है। तो ये कुछ खास बातें हैं। रही बात कंप्लीट जानकारी की बच्चों, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एरे के बारे में पेंडिंग है, लेकिन उनको हम लोग आगे जब कंप्लीट सी लैंग्वेज की क्लास शुरू करेंगे तो उसमें भी जिक्र करेंगे। ऐप पर आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे कैरियरटेक एकेडमी के ऐप को पब्लिक आप जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। और बैच है हमारा मंथन नाम का बैच है, जिसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। मैथ्स की क्लास, सी की क्लास, फंडामेंटल की क्लास, तीन सब्जेक्ट की क्लास आपकी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग चला रहे हैं। बाकी दो सब्जेक्ट इंग्लिश और जो भी है आपका एक कॉमन सब्जेक्ट, उसकी भी क्लास हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे बच्चों। तो आशा के साथ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अब आइए आपको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाता हूं, उसके पहले आपको एक और जानकारी बच्चों देना चाहूंगा, समझने के साथ कोशिश करिएगा। क्या है वो जानकारी, जानकारी नंबर ये कि ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन एरे कर लो, एरे पर आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते। तो देखिए देयर आर फॉलोइंग ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन एरेज। बच्चों आप बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एरे पर कर सकते हैं। पहला देख लीजिए एरे का क्रिएशन, दूसरा स्टोरिंग एलिमेंट्स, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन ट्रैवर्सिंग। कौन सा ऑपरेशन बच्चों, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन, बताएंगे ट्रैवर्सिंग क्या होता है। नंबर चार सर्चिंग, नंबर पांच सॉर्टिंग, नंबर छह इंसर्टिंग एलिमेंट्स, और बच्चों नंबर सात आपका डिलीटिंग। देख लीजिए इतनी चीजें बच्चों आपके साथ डिस्कस करनी है मुझे, और ध्यान से इसको समझिएगा कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिसको हम लोग एरे के ऊपर कर सकते हैं। उसको देखिए, निर्माण करना मैंने आपको बता दिया, बिना निर्माण किए क्रिएट किए, बिना बच्चों बनाए तो कुछ होता ही नहीं है, तो बनाना तो सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर दो पे आ गया स्टोरिंग। स्टोरिंग का मतलब क्या है कि इसमें वैल्यूज को स्टोर करना, एक तरीका आपको दिखाया है, बाकी एक तरीका अभी प्रैक्टिकली आपको दिखा दूं प्रोग्रामिंग से। नंबर तीन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों ट्रैवर्सिंग, ये आपके एरे का, एरे को पाइथन में आप सीक्वेंस डेटा टाइप में लिस्ट समझ सकते हैं, वहां पे नंपाई एरे तो बहुत हर लैंग्वेज में मिलती है, लेकिन ये जो ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है बच्चों। ट्रैवर्सिंग में होता क्या है, ट्रैवर्सिंग वो ऑपरेशन है जिसमें ट्रैवर्सिंग का मीन्स तो बच्चों होता है टहलना, लेकिन यहां पर कहां टहलने जाओगे,
यहां पर एरे में ट्रेवर्सिंग का मतलब है कि एक एक एलिमेंट को आप एक एक एलिमेंट के पास जाएंगे, एक बार जाएंगे, केवल एक बार, और जाकर जो भी प्रोसेसिंग करनी है आप करेंगे। एक बात जान लीजिए बच्चों, जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं या करेंगे, क्योंकि बाद में भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, कान खोल के सुन लो भाई, ट्रैवर्सिंग नहीं आएगी तो एरे में आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कोई एलिमेंट सर्च करना है, एरे के एलिमेंट्स के ऊपर किसी तरह का ऑपरेशन करना है, पता लगाना है कितने पॉजिटिव हैं, कितने निगेटिव एलिमेंट हैं, कितने इवन संख्याएं हैं, कितनी ऑड संख्याएं हैं, इट्सेट्रा इट्सेट्रा इट्सेट्रा, ऐसे हजारों क्वेश्चंस का एक इलाज जिसका नाम है क्या है, ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म्स ऑन द एरे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो बहुत ध्यान से देखेंगे। सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एरे में है कि नहीं है, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा हमें सर्चिंग ऑपरेशन। तो आपके लिए सर्चिंग ऑपरेशन का भी बहुत बड़ा महत्व है, ये उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी बिगनर्स हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, हायर चीजें सीखने से पहले आपको बेसिक्स को बहुत ही ठंडे दिमाग से जानने और सीखने की जरूरत है। तो सर्चिंग एरे पर कैसे करते हैं ये पढ़ाया जाएगा। सॉर्टिंग, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन एरे। भैया सॉर्टिंग होता क्या है, सॉर्टिंग वो ऑपरेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग एरे के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, किस ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग इसके बारे में भी जिक्र करेंगे बच्चों की सॉर्टिंग क्या होती है, कैसे हम सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ डिटेल डिस्कशन का विषय है। एक ही क्लास में नहीं, एरे बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, अगर एरे को कंप्लीट कराऊं तो 15 दिन खाली पढ़ाया जा सकता है सिर्फ इसी टॉपिक पे, शायद मैं कम कह रहा हूं, और भी ज्यादा हो सकता है। इंसर्टिंग एलिमेंट्स, इंसर्ट करना मतलब क्या होता है कि कोई एरे बनी है उसमें एलिमेंट्स पले हैं, उन एलिमेंट्स में बीच में जाकर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर किसी एलिमेंट को डालना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि एलिमेंट्स के बीच में जगह नहीं होती, पहले आपको हर एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट माने ऊपर या नीचे। अगर इंसर्ट करना है तो पहले जगह बनाओगे तब वैल्यू जाएगी, और अगर आपको डिलीट करना है, जो कि लास्ट ऑपरेशन मैंने कहा डिलीटिंग एलिमेंट्स, ये डिलीटिंग ऑपरेशंस बच्चों क्या होते हैं, डिलीटिंग ऑपरेशंस का मतलब कि एरे में कोई आइटम पला है, आपको देखिए यहां पर कोई सी लैंग्वेज में बहुत कुछ आसानी से नहीं होगा, सी की जो प्रोग्रामिंग है वो अदर से मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, आज इसीलिए बहुत सारे लोग सी के नाम से ही घबराने लगते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर रेडीमेड कुछ नहीं है, यहां पर आपको सब कुछ अपने दिमाग से करना पड़ेगा। अभी यही पाइथन होता, हर काम के लिए एक फंक्शन है, आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है फंक्शन है, वैल्यू डिलीट करनी है फंक्शन है, वैल्यू सॉर्ट करनी है फंक्शन है, वैल्यू रिवर्स करनी है फंक्शन है, हर काम के लिए एक फंक्शन है। लेकिन सी लैंग्वेज में हर काम के लिए क्या है, लॉजिक है। तो बच्चों जो सी लैंग्वेज सीखता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि अगर सीखना है मेरे भाई, मेहनत करनी है भाई, तो एक बार कर दो, एक बार मेहनत कर दो, वो है सी। एक बार सी लैंग्वेज आ गई, दुनिया की कोई लैंग्वेज को यूं ही कर ले जाओगे, चुटकी बजा के कर ले जाओगे, मेरा मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीजें कह रहा हूं, इसमें कोई इसलिए नहीं कि मैं सी की क्लास ले रहा हूं, सी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं ये कथन कह रहा हूं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं और भी लैंग्वेजेस पढ़ाता हूं, लेकिन सी पढ़ाने का जो आनंद है, जो चैलेंज है, जो मजा है, वो बच्चों और किसी लैंग्वेज में शायद ही आएगा। तो ये है तुम्हारा ऑपरेशंस ऑन एरेज, जिनके बारे में हम लोग बच्चों डिटेल डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद सी का एरे का अगला टॉपिक है तुम्हारा मल्टी डायमेंशन एरे। क्या है, मल्टी डायमेंशन एरे। ये बच्चों मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, ऐसी एरे बच्चों, ऐसी एरे जिसमें एक से ज्यादा रोज, एक से ज्यादा कॉलम्स,
होते हों ऐसी एरे जिसमें जिसमें बच्चों आपका जिसमें क्या है जिसमें कि आपका कहा जाता है ना कि एक से ज्यादा इंडेक्स वैल्यू यूज होता है एलिमेंट्स को एक्सेस करने में, ऐसी एरे को हम लोग जिस कैटेगरी में रखते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो क्या लिखेंगे, द एरे दैट हैव मोर देन वन रो एंड मोर देन वन कॉलम्स, इट्स कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे आप, मल्टी डायमेंशन एरे का नाम उसको बच्चों हम लोग ऐसी एरे जिसमें एक से ज्यादा क्या हो रो हो, एक से ज्यादा बच्चों क्या हो कॉलम्स, ऐसी एरे को मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। और मल्टी डायमेंशन एरे को हम लोग बच्चों को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बच्चों मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। तो देखिए बच्चों, एक क्लास में तो आपसे पूरी एरे का डिस्कशन हो नहीं सकता, तो मैं आपसे एक वादा है मेरा कि एक क्लास अभी और हम एरे की लेंगे जिसमें आपको मल्टी डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे दोनों का कंपेरेटिवली दिखाएंगे। पहले मल्टी डायमेंशनल एरे को बनाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, मैट्रिक्स हैंडलिंग कैसे होती है ये सिखाऊंगा, उसमें एलिमेंट डालते और निकालते कैसे हैं ये बताऊंगा, और फिर एक एक प्रोग्राम एक सिंगल डायमेंशन का एक मल्टी डायमेंशन का आपको करा के दिखाएंगे, ये वादा है। तो अगली क्लास का इंतजार कीजिए बच्चों और हमारे साथ जुड़िए, शाम को 4:15 बजे मेरी सी लैंग्वेज की क्लास है, शाम को 6:15 बजे हमारी फंडामेंटल की क्लास है और दिन के 12:15 बजे हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है। तो तीन निरंतर क्लासेस के साथ हम लोग आपके सामने हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा प्रयास एक्सेप्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों जुड़िए और बीसीए या किसी भी कोर्स में, देखिए सी तो एक ऐसा विषय है जो एवरग्रीन है, मैथमेटिक्स ऐसा विषय है जो एवरग्रीन है और फंडामेंटल भी ऐसा विषय है जो हर समय यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम स्टूडेंट्स, आप हमारे ऐप को कैसे प्राप्त करेंगे इसका तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में गए, आपने कैरियर टेक एकेडमी को सर्च किया और इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, कुछ सेकंड ये लेगा आपसे और हमारा ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो रहा है इस समय। देखिए ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया, वो सिक्योरिटी स्कैन को चेक कर रहा है। अब आपने ऐप को बच्चों ओपन किया तो वो आपको लॉगिन करके रजिस्टर करने के लिए कहेगा, अपना मोबाइल नंबर इसमें डालिए, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उस ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप अलाउ कर देंगे और ऐप के अंदर आ जाएंगे जहां पर स्टोर में आपको बच्चों हमारे बनाए हुए सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, नाम के हिसाब से उपलब्ध हैं, आपको जो भी कोर्स आपके लिए उपयुक्त हो आप उसको सेलेक्ट करना है। जब आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे तो कोर्स हमारा ओपन हो रहा है, देखिए लोडिंग आ रहा है, पेमेंट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, कोर्स की फीस दिखाई देगी, आपको पेमेंट को कंप्लीट करना है और देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है कि पेमेंट कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने ऐप को इंस्टॉल करके अपने मनपसंद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आप सबसे निवेदन है कि हमारे